सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुश मांडा IAS HCS Academy को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुश मांडा अकेडमी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के ऊपर। तो इकोनॉमी की हवाले की हालांकि हमारी और भी वीडियोज आई हैं पहले, और एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन्स टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स इज गिवन बाय, चार ऑप्शन है, IMF, IDA, IBRD और ADB। तो आप हमारे साथ करने की कोशिश कीजिए, क्या ऑप्शन हो सकता है भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की समस्याओं को सोल्व करने के लिए। तो इसमें जो शॉर्ट टर्म लोन्स टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज गिवन बाय, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन थे और हम देख लेते हैं इसका जो है पहला आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, अपॉन इनिशियल IMF इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन इट इज टू प्राइमरी फंक्शंस वर टू ओवरसी द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट्स बिटवीन कंट्रीज दस हेल्पिंग नेशनल गवर्नमेंट मैनेज देयर एक्सचेंज रेट्स अलाउइंग दीज गवर्नमेंट्स टू प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोवाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल टू एड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कौन सी संस्था है इसके लिए, IMF है। नेक्स्ट, फॉर द चैनलाइजिंग द अनअकाउंटेड मनी फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द स्कीम ऑफ, चार ऑप्शन है आपके, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स, प्रोविडेंट फंड, मार्केट लॉन्स। तो आप आंसर्स दीजिए, मैं इस बार आप ही के आंसर्स चेक करना चाहता हूँ। चलिए इसका आंसर्स देख लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप पोस्ट करके भी देख सकते हो, जब हमारा ये आपकी लाइव वीडियो हो जाए तो उसके बाद आप इसे एक बार रीड करिएगा, क्योंकि अभी हमने 100 क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो इसका ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेलिंग कॉस्ट मीन्स, सेलिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है, कॉस्ट ऑफ सेलिंग ए प्रोडक्ट, कॉस्ट सेलिंग एस कॉस्ट इनकर्ड इन ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट इनकर्ड इन एडवर्टाइजमेंट, कॉस्ट इनकर्ड ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सेलिंग कॉस्ट का मतलब पूछा गया है, हाँ जी बताइए, इस बार आपने करना है, मैंने नहीं करना इस बार सोल्व, आपने सोल्व करना है, मैंने आपकी प्रिपरेशन देखनी है, बाकी उसकी एक्सप्लेनेशन हम दिखाएंगे आपको, ठीक है, आप उसे रीड कीजिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है आपका तीसरा, जिसने तीसरा बताया है उनका करेक्ट है। तो कॉस्ट इनकर्ड इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फंड्स विच फ्लो इनटू ए कंट्री टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन देयर कंट्री इज कॉल्ड, कौन से फंड हैं, ठीक है, फंड्स विच फ्लो इनटू कंट्री टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन दैट कंट्री इज कॉल्ड, चार ऑप्शन है आपके, कोल्ड मनी और ब्लैक मनी, हॉट मनी, वाइट मनी, ठीक है, तो हाँ जी बताइए, मैंने आप ही के ऑप्शंस देखने हैं पहले। तो इसके अब एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं, करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, तो इसको हॉट मनी कहते हैं, ठीक है ना। हॉट मनी इज अ टर्म दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फाइनेंशियल मार्केट्स टू रेफर टू द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन ऑर्डर टू अर्न ए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ऑन इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंसेस, ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी क्या है, एक्सेप्टेड ओनली बाई गवर्नमेंट, एक्सेप्टेड बाई पीपल एंड गवर्नमेंट एज पर द लॉ, नॉट एक्सेप्टेड फॉर बिजनेस पर्पजेज बाई लॉ, नॉट एक्सेप्टेड बाई गवर्नमेंट। तो लीगल टेंडर मनी पर सवाल पूछा गया है, आप अपने ऑप्शन बताइए मुझे, हाँ जी अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपका, इसका बिल्कुल सही जवाब है कि लीगल टेंडर मनी इज ए मीडियम ऑफ पेमेंट अलाउड law or recognized by legal system to be valid for meeting a financial obligations, ठीक है, तो इसको आप बाकी और रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, ए हाई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, चार ऑप्शन, रेस्ट्रिक्स लैंडिंग, इंक्रीजेस सप्लाई ऑफ कैश, प्रोवाइड्स फंड्स टू द स्टेट, इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द बैंक्स, हाँ जी बताइए क्या ऑप्शन है। तो आंसर देख लेते हैं, इसका फर्स्ट ही है आपका ऑप्शन रेस्ट्रिक्स लैंडिंग। तो SLR refers to the amount that commercial banks require to maintain in the form of gold or government approved securities before providing credit to the customers, ठीक है, तो an increase in SLR particularly restricts lending, ठीक है, यही हमारा सवाल पूछा गया है यहाँ से, बाकी आप एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7,
ए सिचुएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स इज टर्म्ड एज। चार ऑप्शन है आपके सामने, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्योर कंपटीशन और ओलिगोपोली। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है परफेक्ट कंपटीशन। तो फंडामेंटल कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज दैट देयर मस्ट बी ए लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और फर्म्स। क्वेश्चन नंबर एट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, फाइनेंस कॉरपोरेशन, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। हाँ जी बताइए क्या आंसर है। आंसर देख लेते हैं, फोर ऑप्शन है इसका, डिटेल आप यहाँ से रीड कीजिए, सभी को एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नाइन, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस द कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू पे फॉर द कॉमोडिटी एंड, क्योंकि इसमें क्या ना हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो हम एक टेस्ट को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है। तो आप मेरे साथ साथ कीजिए, तो ए कॉमोडिटी दैट प्राइस विच ही एक्चुअली पेज इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, लैंडलॉर्ड सरप्लस, वर्कर सरप्लस। तो चार ऑप्शन है, बताइए क्या आंसर है इसका। आंसर देख लेते हैं, इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, ए वेरी हाई राइज इन नेशनल इनकम एट करंट मार्केट प्राइसेस एंड लो राइज एट कांस्टेंट प्राइसेस रिवील्स। तो चार ऑप्शन, द हाई रेट ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी एट द करंट पीरियड, द इंक्रीज प्रोडक्शन इन करंट पीरियड, द इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। तो आप देख लो एक बार इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, वेरी हाई राइज इन नेशनल इनकम। अब उसके आंसर्स देख लेते हैं, तो इसका फोर ऑप्शन है आपका जवाब है, और इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, कॉरपोरेशन टैक्स, देयर इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन नेट इनकम्स ऑफ कंपनीज, द कॉरपोरेट प्रॉपर्टीज, द यूटिलिटीज प्रॉपर्टीज बाई कॉरपोरेशन, टैक्स इम्पोज बाई कॉरपोरेशन ऑन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। तो ऑप्शन आ गए, आपने भी आपके आंसर्स भी आ चुके हैं, अब इसके आंसर्स देख लेते हैं। इसका पहला ही है आपका ऑप्शन, नेट इनकम्स ऑफ कंपनीज। कॉमर्शियल बैंक्स आर क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्योरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजर्व फंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपॉजिट्स। तो इसमें ऑप्शंस थे हमारे, फोर ऑप्शन है आपका इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपॉजिट, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मींस ग्रोस वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, मनी वैल्यूज ऑफ टोटल नेशनल प्रोडक्शन फॉर एनी गिवन पीरियड, ग्रोस वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स, मनी वैल्यू ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो इसके ऑप्शंस थे हमारे सामने, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका, एक्सप्लेनेशन ये है इसकी। क्वेश्चन नंबर 14, बैंक मनी रेफर्स टू करेंसी नोट्स, कॉइन्स, गोल्ड बुलियंस और चेक्स। तो इसमें ऑप्शन था आपका चेक्स, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ मनी इन इन फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम, करेंसी ओरिजिनली इशूड बाई सेंट्रल बैंक एंड बैंक डिपॉजिट्स एट कॉमर्शियल बैंक। तो इसे आप एक बार रीड कर लीजिए, वॉट इज एग मार्क, इसका जवाब तो आप वैसे आसानी से दे दोगे। तो इट इज ए मार्केटिंग सील इश्यूड बाय क्रेडिट एग्रीकल्चर कमोडिटी, इट स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इट रिप्रेजेंट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड रेगुलेशंस, नो नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें, और करेक्ट आंसर है इसका सेकंड, काफी स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है, ठीक है, एग मार्क। क्वेश्चन नंबर 16, द सेल्फ एम्प्लॉयड इन ए डेवलपिंग कंट्री हु आर एंगेज्ड इन स्मॉल स्केल लेबर इंटेंसिव वर्क बिलोंग टू द, चार ऑप्शन है, इनफॉर्मल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। कोशिश कीजिए, देख पा रहा हूँ कई लोगों के जवाब आ चुके हैं, तो इसका सेकेंड जिन जिनका है उनका करेक्ट आंसर है, एक्सप्लेनेशन ये है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल्स टू लोकसभा विद इन, ठीक है, तो मनी बिल पर सवाल पूछा गया, हालांकि पॉलिटी का सवाल भी है, इकोनॉमी का सवाल भी है, सब ने सही जवाब दिया है इसका, तीसरा 14 days एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ए स्पेकुलेटर हु सेल्स स्टॉक्स इन ऑर्डर टू बाय बैक व्हेन प्राइस फॉल्स फॉर गेन इज बुल, बेयर, बोर और बाइसन, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है आपका बियर, ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, पैरेलल इकोनॉमी इमर्जेस ड्यू टू टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स कंप्लायंसेस, टैक्स एस्टिमेशन। तो सेकंड ऑप्शन है आपका टैक्स इवेजन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकिंग
इनटू अकाउंट सर्विसेज ऑफ ए टीचर, सर्विसेज ऑफ ए डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ ए हाउसवाइफ, सर्विसेज ऑफ मेड सर्वेंट। हाँ जी बताइए। तो इसका ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर राइटिंग रेफर्स टू अंडर एस्टिमेशन, अंडर सेलिंग, वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेसेस एंड एक्ट ऑफ इंश्योरिंग रिस्क। तो 21 का फोर ऑप्शन है आपका, एन एक्ट ऑफ इंश्योरिंग रिस्क। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, चार ऑप्शन है, मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन द मार्जिनल रेवेन्यू। चार ऑप्शन है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। इट इज प्रूडेंट टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द आउटपुट व्हेन इंडस्ट्री इज ऑपरेटिंग इन स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, निगेटिव रिटर्न्स। तो इसका थर्ड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रीइंग द कंपनी द इकोनॉमी फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस इज रेफर्ड टू एज फ्रीडम, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसका थर्ड ऑप्शन है आपका लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 25, इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड बाय, आप मेरे साथ साथ करते चलो ठीक है नहीं, और इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीजिंग मनी सप्लाई। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ उसमें भी ऑप्शन देख लेते हैं इसका आंसर्स के। तो ये आंसर्स आ गया इसका आपका डिक्रीजिंग मनी सप्लाई, ये इसके एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 26, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, कंट्रोल्ड एक्सचेंज रेट। तो इसका पहला ही ऑप्शन है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। तो इसका फोर ऑप्शन है आपका रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 28, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू हु पेज द टैक्स, हु बेयर्स द बर्डन ऑफ टैक्स, हु टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड, हाउ टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड और हु ट्रांसफर्स द टैक्स बर्डन। तो उसका सेकंड ऑप्शन है आपका हु बेयर्स द बर्डन ऑफ टैक्स। क्वेश्चन नंबर 29, एन इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ एन इंक्रीज इन द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, एक बार पढ़ सकते हो आप, व्हेन सच इंक्रीज इज द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कंफर्ट्स, व्हेन सच इंक्रीज इज द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, व्हेन इट इज द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, व्हेन सच इंक्रीज इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। तो इसके ऑप्शन आप बताइए क्या जवाब है, आंसर्स देख लेते हैं। फोर ऑप्शन है इसका, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 30, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पॉजिटिवली स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोपिंग। तो इसमें सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, इकोनॉमिक रेंट डज नॉट अराइज व्हेन द सप्लाई ऑफ ए फैक्टर यूनिट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसका सेकंड ऑप्शन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 32, परफेक्ट कंप्लीशन मींस लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है नहीं, और इसमें आपका है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लेस बायर्स, नन ऑफ द अबव। तो सेकंड ऑप्शन आपका लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, परफेक्ट कंप्लीशन मींस, इसकी एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 33, तो यह है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन केम टू बी नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका सेकंड है आपका इंपीरियल बैंक, ठीक है। तो इसमें द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इसका नाम हो गया आपका इसका, हाँ ये है आपका सेकंड, ठीक है सेकंड, ये हमने ये थ्री कर दिया था ठीक, करेक्ट आंसर इसका ये है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ गुड विच हैव कंपोजिट डिमांड, जॉइंट डिमांड, डेराइव डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड। तो इसका तीसरा है आपका डेराइव डिमांड, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 35, बैड मनी विल ड्राइव आउट गुड मनी फ्रॉम सर्कुलेशन, दिस इज नोन एज एंजल्स लॉ, ग्रेशम्स लॉ, स्टेज लॉ और वैगनर्स लॉ।
इसका है आपका सेकेंड ऑप्शन ग्रेशम्स लॉ, ये एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 36, इफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इज टू रेज रेवेन्यू इट शुड टैक्स कॉमोडिटीज विद हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्वेश्चन नंबर 36 के चार ऑप्शन हैं और इसमें क्वेश्चन इसका तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37, कोर इंडस्ट्रीज आर बेसिक इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज। तो इसमें फर्स्ट है आपका बेसिक इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 38, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एक्सप्लेन्ड बाय कंज्यूमर सरप्लस, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो ऑप्शन हम देख पा रहे हैं, इसका आपका फोर्थ ऑप्शन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन वेयर देर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, देर इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, देर इज नो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, देर इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, इफ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू इनक्रीज एंड इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी एंड डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी इट शुड, और फोर ऑप्शन है, लोअर कैश रिजर्व रेशियो, रेज डिस्काउंट रेट, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका लोअर कैश रिजर्व रेशियो। मोनोपोली मीन्स सिंगल बायर many sellers, single sellers, many buyers, ठीक है, तो single seller। Question number 42, regulated markets aim at the development of marketing structures to, तो widen price spread between the producer and the consumer, narrow down the price spread between producer and consumer, increase the non-functional margins of the traders, maximize the non-functional margins of the commissions agent। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43, मार्जिनल कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द टोटल आउटपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो सेकंड ऑप्शन, आप मेरे साथ साथ करते चलो। क्वेश्चन नंबर 44, अंडर फुल कॉस्ट प्राइसिंग प्राइस इज डिटरमाइंड बाई एडिंग ए मार्जिन टू एवरेज कॉस्ट बाई कंपेयरिंग मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू by adding normal profit to marginal cost by the total cost of production। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है by adding a margin to average cost। क्वेश्चन नंबर 45, economic growth is dependent mainly on level of consumption, price stability, price level of investment, population growth। तो थर्ड ऑप्शन है आपका level of investment। क्वेश्चन नंबर 46, interest paid by government on The loans raised is called debit servicing, deficit financing, discounted budgeting, bridge loan। तो इसमें आपका फर्स्ट है आपका डेबिट डेब्ट डेब्ट सर्विसिंग, ये एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिए। 47 है सनराइज इंडस्ट्रीज इंप्लाई, कौन सी है, पेट्रोकेमिकल्स, सनफ्लावर, कंप्यूटर इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री। तो इसका है आपका पेट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, फर्स्ट ऑप्शन explanation। Question number 48, regional rural banks are sponsored by nationalized commercial bank, reserve bank of india, state bank of india, government of india। to iska pehla hai aapka nationalized commercial bank। Countries that depend mainly on the export of primary products for their income are prone to inflation, economic instability, increasing unemployment, stable economic growth। to isme aapka third option hai, इसकी एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 50, ए ट्रेड पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉलिसी। तो उसका फर्स्ट है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज नीडेड फॉर क्रिएटिंग डिमांड, प्रोडक्शन प्राइस, इनकम और इनकम इम्पोर्ट। फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन। Who said economics is the science of wealth? Robinson, J.S. Mill, Adam Smith or Keynes? तो इसका है आपका थर्ड, एडम ऑफ स्मिथ। A fall in demand or rise in supply of a commodity increases the prices of that commodity, decreases the prices of that commodity,
और न्यूट्रलाइजेस द चेंजेस इन द प्राइस, डिटरमाइंस द प्राइस इलास्टिसिटी। तो उसमें सेकंड ऑप्शन है आपका डिक्रीजेस द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज डायरेक्ट, इनवर्स, प्रोपोर्शनल और स्टेबल। तो उसका सेकंड है आपका इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 55, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। फर्स्ट ऑप्शन। इन एन इकोनॉमी द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस, यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स। थर्ड ऑप्शन है आपका ओनर्स एंड ऑफ एंटरप्राइजेस, जिसको हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इसे आप बाद में पढ़ लीजिएगा। तो स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ डिफ्लेशन, स्टैग्नेशन एंड रिसेशन, स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन, स्टैग्नेशन एंड रिकवरी। तो इसमें थर्ड ऑप्शन है आपका स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन। 58, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नेशनल इनकम काउंसिल और सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फोर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, फोर ऑप्शन है आपके, ग्रोथ इन पर कैपिटा रियल इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर, ग्रोथ इन नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, ग्रोथ इन सेविंग्स रेशियो, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन। और इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है। कंज्यूमर्स सॉवरनिटी मीन्स कंज्यूमर्स आर फ्री टू स्पेंड देयर इनकम एज दे लाइक, कंज्यूमर्स हैव देयर पावर्स टू मैनेज द इकोनॉमी, कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर्स इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंज्यूमर गुड्स आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। इसका फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61, नेशनल इनकम इंक्लूड फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, पॉकेट मनी ऑफ अ चाइल्ड, विनिंग ऑफ अ लॉटरी प्राइज, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू हाउस। फोर ऑप्शन है आपका। द सिचुएशन इन विच टोटल रेवेन्यूज इक्वल्स टू इक्वल कॉस्ट इज नोन एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ब्रेक इवन पॉइंट, परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका थर्ड ऑप्शन है आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स। इसकी एक्सप्लेनेशन। डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज हॉरिजॉन्टल टू ऑक्स एक्सिस और नेगेटिवली स्लोप्ड, पॉजिटिवली स्लोप्ड, यू शेप्ड। और फर्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल टू एक्स ओ ऑक्स एक्सिस। एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 64, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इफ वी नो, फोर ऑप्शन है आपके सामने, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, द वैल्यू ऑफ द सेल्स, वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, फिक्स्ड कैपिटल। फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट आंसर। ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड, ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या आता है, चार ऑप्शन है आपके सामने और आप एक बार पढ़ लीजिए। और इसके आंसर्स हैं, फोर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी, ये एक्सप्लेनेशन है। 66, द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मोनोपोलिस्ट इज, फोर ऑप्शन, मोर देन प्राइस, इक्वल टू प्राइस, लेस देन प्राइस और लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। इसका तीसरा ऑप्शन है आपका लेस देन प्राइस। 67, ए हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व इज रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक और ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी। थर्ड है आपका परफेक्टली इलास्टिक। 68, द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज बीन फॉर्मुलेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाय जॉन रॉबिन्सन, एडवर्ड चैम्बरलिन, जॉन बैट्स क्लार्क, जोसेफ शोमपीटर। सेकेंड ऑप्शन एडवर्ड चैम्बरलिन। वॉट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स डस ए सी ए सी पी रिकमेंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, नन ऑफ द अबव। सेकेंड है आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। 70, अंडर द इंक्रीजिंग रिटर्न्स द सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेगेटिवली स्लोप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सिस, पैरेलल टू द प्राइस एक्सिस। फर्स्ट ऑप्शन पॉजिटिवली स्लोप्ड। 71, द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फर्म नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बोथ नॉर्मल एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सेलिंग प्रॉफिट। सेकेंड है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट,
हु प्रोपाउंडेड द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट? शूमपीटर, मार्शल, सैमुएलसन, डेविड रिकार्डो। इसका फर्स्ट है आपका शूमपीटर। अंडर परफेक्ट कंडीशन द इंडस्ट्री डज नॉट हैव एनी एक्सेस कैपेसिटी बिकॉज ईच फर्म प्रोड्यूसेस एट मिनिमम पॉइंट ऑन इट्स लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू कर्व। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन। 73, 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैनन ऑफ टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ? तो कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ इकोनॉमी। सेकेंड है आपका कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। क्वेश्चन नंबर 75, इफेक्टिव डिमांड डिपेंड्स ऑन कैपिटल आउटपुट रेशियो, आउटपुट कैपिटल रेशियो, टोटल एक्सपेंडिचर, सप्लाई प्राइस, सप्लाई प्राइस। 76, एक्सप्लेनेशन ऑफ लेबर इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन? चार ऑप्शन है और सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन ये है बी। 77, ए राइजिंग पर कैपिटा इनकम विल इंडिकेट ए बेटर वेलफेयर इफ इट इज अकम्पनाइड बाय? चार ऑप्शन है आपके सामने, एक बार आप रीड कर सकते हो, करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड है आपका चेंज्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेवर ऑफ पुअर। इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय नेचर आर डिग्रेसिव, रिप्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल। तो सेकंड है आपका रिग्रेसिव एक्सप्लेनेशन। 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शनल मनी? करेंसी नोट, कॉइन्स, चेक, बॉन्ड। थर्ड है आपका चेक। Those payments which the firms make to outsiders for their goods and services are called real cost, economic cost, implicit cost, explicit or implicit cost. Third है आपका explicit cost. 81, special economic zone concept was first introduced in China, Japan, India, Pakistan. तो first है आपका China. Economic development depends on natural resources, capital formation, size of market, all of these. तो इसका आपका ऑप्शन है all of these. 83, national income is generated from any money banking activity, any labor laborious activity, any profit making activity, any productive activity. Second है आपका laborious activity. Money supply is governed by planning commission, finance commission, reserve bank of India, commercial banks. Third है आपका reserve bank of India. The food stock that are built up during the year's bumper harvest is called capital stock, और इसके अलावा buffer stock, production stock और grain stock. तो उसका second है आपका buffer stock. Minimum Wages Act first passed in India कौन से साल में? 47, 48, 50, 51. इसका second है आपका 48. Human Development Index was developed by Amartya Sen, Mahbubul Haq, Friedman, Montaigne Singh, Ahluwalia. तो ये आपके थे SDI. तो इसका सेकंड ऑप्शन है आपका फ्रीडम फ्रीडमैन। ठीक है, तो हार एंड फायर इज द पॉलिसी ऑफ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी। इसका थर्ड ऑप्शन आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। ये एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर 89। ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस इन फोर ऑप्शन। करेक्ट आंसर आपका सेकंड है, हायरार्कियल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 90, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर इज गिवन बाय। ऑप्शन देख लीजिए आप एक बार। करेक्ट आंसर है आपका फोर, सम ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सप्लेनेशन, द मार्केट प्राइस इज रिलेटेड टू फोर ऑप्शन है आपके, वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। इसका फर्स्ट ऑप्शन है और ये एक्सप्लेनेशन। 92, इक्विलिब्रियम प्राइस इज प्राइस व्हेन? तो चार ऑप्शन, करेक्ट आंसर फोर है आपका, सप्लाई इज इक्वल टू द डिमांड। 93, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स टू ए। कोशिश कीजिए, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 94, कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड, चार ऑप्शन है आपके, सेविंग्स, इनकम, इन्वेस्टमेंट, प्राइस। सेकंड ऑप्शन इनकम, मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू, ये तो सभी को आता ही होगा। तो फोर ऑप्शन है, कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड?
विच इज नॉट फिक्स्ड, ए कॉस्ट प्राइस, फोर ऑप्शन है आपके, और इसमें आप देख पा रहे हो सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फर्स्ट है आपका 97. इन विच मार्केट स्ट्रक्चर इज द डिमांड कर्व ऑफ मार्केट रिप्रेजेंटेड बाय डिमांड कर्व ऑफ द फर्म, चार ऑप्शन मोनोपोली, ओलिगो, डुओ, परफेक्ट कंपटीशन, तो इसका फर्स्ट है आपका मोनोपोली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फर्स्ट है आपका एवरेज कॉस्ट, एक्सप्लेनेशन दिया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड, चार ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है पेंशन. क्वेश्चन नंबर 100, टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, वेज पॉलिसी, इसका जवाब सभी ने ठीक दे दिया है. सेकेंड है आपका फिस्कल पॉलिसी. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे इकोनॉमी के 100 क्वेश्चन, इनको हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आप इन्हें करने की कोशिश कीजिए, जो आपको नहीं आता है उसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़िए. धन्यवाद.